हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, तो डेलीगेट लेजिस्लेशन है क्या? डेलीगेट लेजिस्लेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द एग्जीक्यूशन अथॉरिटी इज गिवन पावर बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन टू मेक लॉ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर द requirements of that primary legislation. Such law is the law made by a person or body other than the legislature but with the legislature authority. मतलब क्या हुआ कि ये legislature लोग क्या करते हैं, अपने executive को, ठीक है, authority provide कर, मतलब उसे provide करता है कि आप लोग क्या कीजिए, law बनाइए, ठीक है, लेकिन वो legislature के अंदर में ही होगा। ठीक है, उसको मतलब वो अथॉरिटी देगा तो ही वो बना सकता है, इसी को क्या कहते हैं, डेलीगेट लेजिस्लेशन। अभी हम लोग समझते हैं, देखिए डेलीगेट का मतलब क्या होता है, टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मतलब किसी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना, पास करना। एंड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ठीक है, तो डेलीगेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी है अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को पास करता है, किसके लिए, टू मेकिंग लॉ। ठीक है, एंड अभी देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है डेलीगेट लेजिस्लेशन के। तो नंबर वन देखते हैं, बल्क रिड्यूस, ठीक है, नंबर टू है टेक्निकल असिस्टेंस, नंबर थ्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज, नंबर फोर मोर फ्लेक्सिबल, नेक्स्ट वन पब्लिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीडेंसी होता है, फिर टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री सेव, देखिए सबसे जरूरी है कि पार्लियामेंट का समय बचता है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। ठीक है, तो डिसएडवांटेज देखते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसमें पब्लिक ओपिनियन एब्सेंस होते हैं, डिबेट नहीं होता है, उसको बोल दिया लॉ बनाओ, आराम से बना दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, लेक ऑफ पब्लिसिटी इसमें, ठीक है, फिर मिस यूज़ ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मिस यूज़ भी हो सकता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पावर। ठीक है, फिर लेक ऑफ कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।